दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पहले वाले भट्ठे में जो कच्चा ईंट बच जाता है वो दूसरे वाले भट्ठे में हम उसको पका सकते हैं क्या। तो दोस्तों, आज मैं यह आपको क्लियर कर दूंगा कि हो सकता है ऐसा या नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि पहले वाले भट्ठे जैसे लगाते हैं और उसमें जो कच्चा ईंट बच जाता है तो वो कुछ इस प्रकार से काला काला बच जाता है, कुछ आधा पकता है आधा कच्चा रह जाता है। तो वो ईंट क्या होता है कि आप दूसरे भट्ठे में लगा कर यदि पकाते हैं तो पकने का तो पक जाएगा, लेकिन होगा क्या, जब उसको आप दूसरे भट्ठे में से जब से पके हुए ईंट को निकालेंगे, ये वाला ईंट जो आधा कच्चा रह जाता है, तो वो खस्ता हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, ये आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ये वाला जो ईंट जो बचा हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये ईंट जो है वो कुछ इस प्रकार से खस्ता हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप जो है सो कच्चा ईंट जो बच जाता है उसको दोबारा से आप पका सके, क्योंकि वो जैसे दूसरे भट्ठे में डालेंगे और उसमें से पकेगा तो वो बिल्कुल एकदम भुरभुरा जैसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा ऐसे। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, जो कि आपका मेहनत और उसमें जो लागत रहेगा वो आपका बर्बाद चला जाएगा, वो वेस्टेज में चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस बचे हुए ईंट को जो काला काला बच जाता है तो आपको ये वेस्टेज में ही जाएगा दोस्तों। और इसमें जो लागत लगा है वो हम अगर निकालना चाहे तो कुछ हम इस प्रकार से करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ देख सकते हैं, नीचे में यहाँ जैसे देख सकते हैं, इसको हमने क्या किया है, जो कच्चा ईंट बचता है उसको हम इस प्रकार से ढेर लगा लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको अलग रख देते हैं। अलग रखने के बाद जो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए ये अलग रख दिया। अब ये क्या होता है कि जब बारिश वारिश होता है ना तो ये गल जाता है, जो कच्चा रहता है वो उतना गल जाता है, और जो पका हुआ रहता है, इधर जैसे आप पका हुआ देख रहे हैं, आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं, ये देख सकते हैं आप, ये पका हुआ बच गया और जो कच्चा था वो इस प्रकार से गल जाता है, उतना आधा आधा कच्चा और आधा पका हुआ, तो कच्चा गल जाता है और पक्का बच जाता है। तो पके हुए ईंट में से और जो भी कच्चा है उसको हम काट देते हैं, यहाँ से करनी वगैरह होता है तो किसी काटने की वस्तु से, काटने के औजार से इसको काट देते हैं, और उसके बाद जो है सो इसको हम टुकड़ा ईंट में बेच लेते हैं। तो जिसको जैसे घर के नीचे सोलिंग करना होता है या किसी और प्रकार से काम रहता है तो वो इस ईंट को, टुकड़े ईंट को ले लेता है, कुछ मतलब हमारी जो लागत लगता है इसको बनाने में, तो वो हमारा कॉस्टिंग निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से वेस्टेज में से एकदम से घाटा नहीं लगता है, वेस्टेज का जो कुछ पैसा जो है हमें लागत का पैसा आ जाता है। तो आप भी इस तरह से करें ना कि आपको बचे हुए ईंट को दोबारा दूसरे भट्ठे में डालना है, दूसरे भट्ठे में डालेंगे तो वो ईंट जो पक करके तो निकलेगा लेकिन वो ईंट नहीं रह जाएगा, वो एकदम से भुरभुरा जाएगा, मतलब जो है सो चूर चूर हो जाएगा, वो मतलब टुकड़ा हो जाता है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो आशा है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसमें कुछ आपको जानकारी मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो उम्मीद है आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे, या नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो इस मशीन लाइफ पर मिलते रहता है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।